लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को किया जा रहा है। इसी दिन एग्जिट पोल भी है, जिसमें यह पता चल जाएगा कि इस बार जनता ने किस पार्टी पर कैसे भरोसा किया है। हालांकि आकलन उस दिन नजर आएगा, परिणाम तो 4 जून को ही है, लेकिन कई सारी एजेंसीज चूंकि दावे करती है तो उस दिन एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एनडीए के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर भी खींचतान तेज दिखाई पड़ती है। अजीत पवार ने पार्टी आलाकमान से विधानसभा चुनाव में 80 से 90 सीटों की मांग की है। अब सवाल उठता है कि क्या अजीत पवार की ये मांग बीजेपी सुनेगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले अजीत पवार ने अपनी मांग पहले ही उठा दी है। क्या ये मांग पूरी नहीं हुई तो महाराष्ट्र में एनडीए को झटका लगेगा। दरअसल पिछले साल अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आगे बढ़ने का मन बनाया था, जिसका परिणाम उन्हें मिल गया। अजीत पवार को साधने के लिए बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम का पद दे दिया। कहीं ना कहीं कहा जाए तो लोकसभा चुनाव को मैनेज करने के लिए बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी में सेंध मारी की। एनसीपी लीडर छगन भुजबल ने भी कहा था कि अजीत पवार गुट ने बीजेपी और शिवसेना के साथ इसी शर्त पर गठबंधन बनाया था कि हम राज्य की 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमें लोकसभा चुनाव में बहुत कम सीटें दी गई। इस बीच खबरें ये भी हैं कि अजीत पवार ने एनसीपी के लिए विधानसभा चुनाव से 80 से 90 सीटें मांगी है और ये प्रस्ताव रखा है आलाकमान के सामने। वहीं इस पर देवेंद्र फडणवीस का भी जवाब सामने आया। डिप्टी सीएम और राज्य में बीजेपी के शीर्ष नेता ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ा दल है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी पार्टी सबसे बड़ी सीट पार्टी है और सबसे ज्यादा सीटें हमें ही मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर तीनों दलों के नेताओं की मीटिंग पर ही फैसला होगा। राज्य में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के खेमे को 4 सीटें मिली हैं, बारामती, शिरूर, रायगढ़, धाराशिव, और बीजेपी सबसे ज़्यादा 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इधर एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली शिवसेना के खाते में 15 सीटें आई हैं। छगन भुजबल ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हमें बीजेपी को बताना होगा कि ज़्यादा सीटें चाहिए ताकि कम से कम 50 से 60 सीटों पर जीत तो हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि यदि हमें सीट 50 के आसपास मिली तो फिर हम भला जीतेंगे ही कितनी। आपको बता दें, बीजेपी ने 2019 के आम चुनाव में 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं अविभाजित एनसीपी ने विपक्षी खेमे में चुनाव लड़ा था और कुल 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। अजीत पवार भी लोकसभा चुनाव से ज्यादा असेंबली पर फोकस कर रहे हैं, यानी विधानसभा के चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों कार्यकर्ताओं से ये बात कही थी कि चुनाव को लेकर ना ज्यादा खुश हों और ना ही हार से दुखी हों। उनका कहना है कि हमें आगे आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी करनी है, इससे पहले संगठन को मजबूत करना है। अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी नेताओं और विधायकों की भी एक मीटिंग बुलाई है। इस बीच अजीत पवार की ये मांग महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल कितना जोर पकड़ती नजर आएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये तय से बात है कि एनडीए का गठबंधन महाराष्ट्र में फिलहाल अगर देखा जाए तो अब चुनाव परिणाम की चिंता छोड़कर आने वाले अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अब फोकस हो चुका है। अब यहाँ कितनी सीटें आती हैं, कैसे आती हैं, ये चुनावी गणित तो या यूं कहें कि इस चुनावी गणित से पर्दा 4 जून को उठेगा। लेकिन अजीत पवार की एनसीपी विधानसभा चुनावों के लिए मजबूती से अब एक्टिव होती नजर आ रही है और उसी कड़ी में 80 से 90 सीटें मांगी गई हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।